गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती महोदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फंड फ्लो एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें आप देख रहे हैं कि बैलेंस शीट के आंकड़े दे रखे हैं हमें 2013 और 14 के, ऊपर लाइबिलिटीज़ के, नीचे एसेट्स के। एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दे रखा है डेप्रिसिएशन, लैंड बिल्डिंग का 40,000, प्लांट मशीन का 15,400, फर्नीचर का 1,000, टैक्स पेड है वो 20,000 रुपये, डिविडेंड पेड है वो है 30,000 रुपये। तो इस तरीके से हमारे पास ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब इनके आधार पे हमें जो चीज़ तैयार करनी है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम इसका प्रारूप बना लेते हैं। पर्टिकुलर और अमाउंट का ये कॉलम बनाएंगे। और सबसे पहले यहां लिखेंगे ए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें लेना है हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है जो हमें पीएनएल से लेना है। पीएनएल का यहाँ बैलेंस दे रखा है हमें 30,000 और 80,400। ये 13 में 30,000 है, आगे 80,400 जाता है, इसका मतलब 50,800 है जो बढ़ गया है। तो इसका डिफरेंस लेंगे हम 50,800। इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस जोड़ते हैं और इनकम घटाते हैं ऐड। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन का इसमें लिखा करते हैं ऐड। डेप्रिसिएशन है सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग का है, ये है 40,000। प्लांट एंड मशीन इसका है 15,400 और फर्नीचर इसका है 1,000। और डिविडेंड और इसके बारे में लिखा है प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में। तो इनका है जो हम क्या करेंगे, खाता बनाएंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ देख रहे हैं आप जनरल रिजर्व, इसका डिफरेंस लेते हैं 45 है, 65,000 इसका अंतर है वो है 20,000 का, ये राइट ऑफ हुआ है। तो जनरल रिजर्व ये है 20,000। और इसके बाद में यहाँ और कुछ नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड इनका लेखा करना है हमें केवल। तो इनमें से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम खाता बना लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका बैलेंस ओपनिंग होता है बाय बीडी और ये वर्किंग नोट है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है वो होता है 2CD। ओपनिंग बैलेंस इसका दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स का 22,000 है, और क्लोजिंग बैलेंस का दे रखा है वो 40,500। इसमें टू पेड, तो टू बैंक भी लिख सकते हैं, टू पेड है ये है 20,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 20,000, इसका जो डिफरेंस आएगा वो इधर आ जाएगा, ये हो गया 60,500। 60,500 में से 22 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 38,500, ये होगा बाई पीएनएल। तो इस तरीके से ये 60,500 इसका बैलेंस बराबर हो जाता है। तो जो पीएनएल वाला है वो जोड़ना है हमें, और जो पेड है वो एंड में घटाना है, ठीक है, जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे उस टाइम। तो सबसे पहले ऐड कर देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आ गया 38,500। अब प्रपोज डिविडेंड का और खाता बना लेते हैं। इसका भी ओपनिंग बैलेंस बाय बीडी होगा और क्लोजिंग बैलेंस 2CD। तो इसका जो है वो है ओपनिंग है 30,000
और इधर ये है 35,000। इसमें है डिविडेंड पेड है तो करेंगे टू पेड, 30,000 बाय पी एंड एल ये आ जाएगा 35,000। इसका डिफरेंस है ये 65-65 से खाता क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से प्रोविज़न का आएगा, प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न की ये अमाउंट यहाँ आएगी 35,000 की, और पेड है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया इसको, और देख लेते हैं कोई चीज़ जो आने वाली है। यहाँ से यहाँ ये शेयर प्रीमियम यहाँ नहीं आएगा, जर्नलिज्म ले लिया हमने, पेंडल आ गया और सारी चीज़ें लगभग हमने ले ली है। अब इसका टोटल कर देते हैं एक बार, इसका टोटल है जो हम कैलकुलेटर से करके देखते हैं, तो इसका हमने टोटल कर लिया है, ये आ रहा है 1,00,000 और 49,900। इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 2,00,700। तो इस तरीके से ये जो राशि है इसको कहते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन इसमें हम ऐड करेंगे WC का, एडजस्टमेंट ऑफ WC। WC यानी वर्किंग कैपिटल के आंकड़े, यानी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, कौन सी चीज़ें लेस करनी है, उनके बारे में बात करते हैं। तो डिक्रीज इन CA और इंक्रीज इन CL, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इंक्रीज इन CA और डिक्रीज इन CL लेस करेंगे। तो देख लेते हैं कौन सा ऐड करना है, कौन सा लेस करना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, लाइबिलिटीज़ में देखते हैं कौन सी चीज़ है। क्रेडिटर दे रखे हैं केवल एक ही चीज़ है और कुछ नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको ऐड करेंगे, लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितना हुआ है ये 90,700 है, पहले कितने थे 85,000, तो इसका जो आंकड़ा रहा है वो है 5,700 है, तो ये 5,700 हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इस तरीके से ये इसका आंकड़ा गया है, इंक्रीज हुआ है, प्लस करना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, जिसको घटाना है माइनस करना उसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम। अब देखते हैं CA में, CA में यहाँ से लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन फर्नीचर, फर्नीचर तक कुछ नहीं है, स्टॉक और डेटर दो चीज़ें हैं। स्टॉक देखते हैं, स्टॉक इंक्रीज हो गया है, यह है 95,700, पहले था 82,400, कितना इंक्रीज हुआ है 003 और 31, ये हुआ है 13,300। 007 में से 4 घटाएंगे 3, 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 1, ये आएगा, यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक, ये आएगा 13,300। इसको करंट एसेट्स की चीज़ है, ये इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, इसको लेस करते हैं, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। और इसके बाद में है वो है डेटर, डेटर भी इंक्रीज हुए हैं तो इसलिए इनको भी लेस करना पड़ेगा, इंक्रीज इन डेटर्स, ये 75,000 थे 85,500 हो गए हैं, तो ये बढ़ गए हैं 10,500। तो इस तरीके से ये माइनस के और ये प्लस के, ये माइनस के ब्रैकेट वाले ये प्लस के हैं, तो इनको सबको क्या कर लेते हैं, जोड़कर इधर लिखते हैं और फिर इसमें से टैक्स पेड है वो घटाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ इनका कर लेते हैं टोटल, तो ये हो गए 10 और 13 23, और ये हो गए 800 ये माइनस के और 5,700 ये प्लस के, तो एक दूसरे में से घटाते हैं तो ये आ जाएगा 18,100। तो 18,100 इनका टोटल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 18,100 ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, अब इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे 2,700 में से 18,100 को, तो
घटा के देख लेते हैं, 18 100 तो ये आ गया 6,82,600। इसमें से लेस करेंगे, लेस टैक्स पेड जो कि 20,000 था, 20,000 घटाने के बाद में जो राशि आएगी वो होगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसमें से घटा देते हैं तो ये होगा 162,600। तो इस तरीके से 162,600 है जो क्या रहा है, यार कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नॉन करंट एसेट्स की चीज़ें हैं उनको लेते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स वाली चीज़ें हैं जिनमें लैंड बिल्डिंग इनका डेप्रिसिएशन दे रखा था, तो सबके खाते बनाने पड़ेंगे हमें। तो सबसे पहले लैंड बिल्डिंग का खाता बनाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का ये वर्किंग नोट होंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस 2BD होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस लैंड बिल्डिंग का देखें तो ये है 2,30,000 है ये, 2,30,000। और भाई CD क्लोजिंग बैलेंस है 3,90,000। इधर करेंगे भाई डेप्रिसिएशन इसका लैंड बिल्डिंग का, ये है 40,000। तो इसका बैलेंस आ जाएगा 4,30,000। इधर टू बैंक ये परचेज हो जाएगा 2,00,000 से, और 4,30,000 से इस खाते का क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, समापन कर देंगे, बंद कर देंगे इसको। फिर है प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन इसका भी ओपनिंग 2BD लेंगे, ओपनिंग बैलेंस है इसका 85,400। और भाई CD क्लोजिंग बैलेंस ये है 1,40,000। इसका जो डेप्रिसिएशन है प्लांट मशीन का वो है 15,400। टोटल कर लेते हैं ये हो गए 155,400। इधर 155,400 घटा देते हैं 85,400 इसमें से, तो इसका जो अंतर है वो आ जाएगा 70,000। ये होगा टू बैंक, ये परचेज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये खाता हो गया। फर्नीचर का और बनाते हैं, फर्नीचर अकाउंट इसका भी 2BD ओपनिंग बैलेंस, CD क्लोजिंग हो जाएगा। तो फर्नीचर के हमें दे रखा है 5,00,000 और 6,500, ये 5,000 और यहाँ आएगा 6,500। बाई डैप डेप्रिसिएशन लगेगा 1,000 का, तो ये हो जाएंगे 7,500। इधर आ जाएगा डिफरेंस टू बैंक, परचेज हो जाएगा 2,500। और इस तरीके से ये बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे परचेज के हमने निकाल लिए जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे B. कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इसमें सबसे पहले परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये आया है लैंड बिल्डिंग का 2,00,000। जब खरीदते हैं तो पैसा जाता है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर आएगा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, ये हमने 70,000 का लिया है, ये 70,000 पैसा गया, इसमें भी माइनस आएगा। और परचेज ऑफ फर्नीचर,
तो ये है 2500। तो इस तरीके से ये सभी माइनस के आंकड़े हैं, सभी को जोड़ लेते हैं, 270,000 ये हो गए 272,500, 272,500 ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम इनको, ठीक है। तो इस तरीके से इनका भी काम हो गया। अब हमें जो थर्ड पॉइंट हमारा वो लेना है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी हमें देखना पड़ेगा कुछ क्या क्या चीज़ें आएगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ यहाँ लिखेंगे तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बी के बाद में सी पॉइंट को, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इधर इनके लिए एक अमाउंट का कॉलम बना देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो चीज़ लेनी है यहाँ देख लेते हैं, फाइनेंसिंग में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, इश्यू हो गए, देखिए आप यहाँ 3,00,000 थे, 3,50,000 हो गए। तो यहाँ लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर कर देते हैं इसको, इक्विटी शेयर। तो ये है 50,000 के, इनका टोटल यहीं करेंगे बाद में लिखेंगे इस साइड में, यहाँ लिखते हैं ये है 50,000। फिर देखते हैं शेयर प्रीमियम के पैसे आए हुए हैं, शेयर प्रीमियम के 30,000 रुपये है, और इसके बाद में है डिबेंचर है, इश्यू हो गए 70,000, इश्यू ऑफ डिबेंचर ये 70,000, ये सब आए हुए हैं पैसे। और बाकी चीज़ें आगे डिविडेंड पेड है यहीं करेंगे, डिविडेंड पेड है पैसा चुकाया है 20,000 का हमने, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इससे पैसे चुकाए तो पैसे गया हमारे पास से। तो इस तरीके से इसको ब्रैकेट में माइनस करना है, बाकी प्लस के आंकड़े। तो 70, 30, 1,00,000 और 1,50,000, 1,50,000 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 1,00,000 और 30,000, ये प्लस के आंकड़े होंगे, ये आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, ये इस तरीके से हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबका टोटल करेंगे, और टोटल करने बाद में ओपनिंग कैश जोड़ेंगे और क्लोजिंग कैश आता है चेक कर लेते हैं, आता है नहीं आता है। तो सबसे पहले ये 1,62,000 है, 600 ये प्लस का है, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, हमने ए का टोटल है हमने यहाँ लिखा है 1,62,600 और बी का टोटल हमने यहाँ 272,500 लिखा है, और इसका टोटल 130 ये प्लस का है, ठीक है। तो देख लेते हैं किसका कितना है, तो प्लस वाले हैं ये, इनको प्लस अलग कर लेते हैं, 130 162,600, 130,000, और पहले ये प्लस के आंकड़े इनको जोड़ लेते हैं, 6,2,9,2 ये इसका आंकड़ा है, ये 292,600, माइनस का है ये है 272,500, ये 001 घटाते हैं इसमें से 0, ये आ गया 20,100, ठीक है। ये भी प्लस का आंकड़ा है, प्लस के आंकड़े ज़्यादा है। अब जो कैश था, कैश बैलेंस था, वो था ओपनिंग 34,200 था और क्लोजिंग 44,300 है। तो इसमें देख लेते हैं कहीं हमारी मिस्टेक तो नहीं हुई है, क्योंकि
इसमें 10,000 का अंतर है, तो यहाँ 20 है, तो यहाँ देख लेते हैं दोबारा से कि कहीं कोई माइनर मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो हमने एक माइनर मिस्टेक की है, हमने यहाँ गलती से डिविडेंड पेड हमारा नीचे हमने लिख रखा है 30,000, हमने यहाँ लिख दिया 20,000, तो इसको वापस सुधार लेते हैं 30। तो इस तरीके से ये हमारा बैलेंस सही आएगा 1,20,000 का। तो इस तरीके से हमारी जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो 1,20,000 ही है, ठीक है। 1,20, तो यहाँ हम 1,20 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 82 और यहाँ आ जाएगा 10,100। तो इस तरीके से इसका जो बैलेंस है ये कितना आ रहा है 10,100। तो इस तरीके से ये इसका बैलेंस है ABC का सबका आ गया है 10,100। और इसमें हम क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग, यदि क्लोजिंग आ जाता है तो हमारा जो क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता है। तो ऐड ओपनिंग कैश है वो है 34,200, इसमें ऐड करते हैं तो ये आता है 0,0,3,4 और 4, ये आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि हमने कहीं इसमें कोई मिस्टेक करी है उसका भी पता चल जाता है। तो ये बैलेंस हमारा मिल रहा है सारा, क्योंकि ओपनिंग जोड़ने पे क्लोजिंग आ गया और क्लोजिंग हमारा ये है पहले से 44,300। तो इस तरीके से ओपनिंग जो इसके ABC के जोड़ टोटल में हम ओपनिंग कैश जोड़ते हैं तो क्लोजिंग आ जाए, तो इसका मतलब भी हमारा टोटल टॉपिक सही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।